अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या करती हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ. वाई? बिकॉज दैट्स नॉट द वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ. मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ. आज के टाइम में अगर अपने आप को ठीक से स्टोरीफाई नहीं किया तो सामने वाला भी आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाला. और ब्रांड स्टोरी से हट के आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल स्टोरीफिकेशन के ऊपर. तो ये जो स्पेस है ना, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, ये एक सेट ऑफ पीपल को समझ में आता है. अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो एग्जैक्टली इस बिजनेस को समझती नहीं है, तो ये बिल्कुल भी तरीका नहीं हुआ अपने आप को प्रेजेंट करने का. क्योंकि अगर हम अपनी ही ब्रांडिंग, अपनी ही स्टोरीफिकेशन ठीक से नहीं करने वाले हैं तो कोई और आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं देगा. अब सवाल ये उठता है कि पर्सनल स्टोरीफिकेशन की ज़रूरत क्या है. इसके तीन रीजंस मैंने जॉट डाउन किए हैं. सबसे पहला, टू गेट नोटिस्ड. अगर आप एक भीड़ में खड़े हैं और नोटिस नहीं हो रहे हैं तो आपकी कहानी कोई क्या सुनेगा, सुनाएगा. जैसे समझ लीजिए कि एक पूल ऑफ प्रोडक्ट्स है, सेम एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं और सारे के सारे एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं. नोटिस ही नहीं हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिक है. एक्चुअली हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो यूनिक चीज़ भगवान ने फिट करके भेजी है, लेकिन क्योंकि वो नोटिस ही नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसके यूनिक होने का. तो हम सेकेंड इज वैल्यू एडिशन. अगर लोग आपको एक सेट आइडेंटिटी के थ्रू जानते हैं तो आपकी एक अलग वैल्यू होगी सोसाइटी में. आपके पास लोग राय लेने आएंगे, आपके पास लोग एडवाइस लेने आएंगे, बात करने आएंगे. आपकी बात में लोगों को कुछ लॉजिक समझ में आएगा कि हाँ, ये जो कह रहा है ना, हो सकता है ये बात सच हो, या ये जो कह रहा है इसकी बात में तो दम है यार. तो दूसरा रीज़न हो गया ये. और तीसरा रीज़न है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी. आपको ठीक से प्रेजेंट करने के पीछे जो एक और एम है वो यही है कि हम अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि लोग हमको इस चीज़ से जाने, लोग हमको इस चीज़ से, फलाना चीज़ से जाने. ऐसे नहीं कि ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अपनी तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये बात सच है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को स्टोरीफाई करना है तो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी. अगर कोई नई सोसाइटी में मैं जाती हूँ, नए सर्कल में मैं जाती हूँ, तो मैं अपने आप को एज अ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर बोलूँगी. यूट्यूबर बोलना इज़ ओके अगर आप यंगस्टर, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन जितना आर्टिकुलेट करेंगे उतना ही बेटर होगा. तो आई एम अ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर. अच्छा, कई बार हम ऐसी गैदरिंग्स में होते हैं, जैसे जब एल्डरली लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को शायद अच्छे से, इतने अच्छे से नहीं जानते और नहीं समझते, तो वो ये पूछ बैठते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं. तो आप ये बोल सकते हैं, रादर देन सेइंग कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि मैं यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएट करती हूँ. या कर उसके बाद बात आती है कि लोग पूछते हैं, अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली करते क्या हो. यहाँ पर आकर प्रॉब्लम होती है. यहाँ पर आकर आप समझ लीजिए कि इसका मतलब आपने अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया है. तो जब आप इस स्टेज पर आ जाएंगे, वहाँ से अपने आप को, अपनी ब्रांड इमेज को चेंज करना मुश्किल होगा. इसीलिए उससे पहले आपको ये कुछ चीज़ें खुद ही बोलनी है कि मैं एक यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं. आप अपने सब्सक्राइबर काउंट को मैंशन कर सकते हैं, या आप अपने व्यूअर्स को मैंशन कर सकते हैं, या अपना मोस्ट पॉपुलर अगर आपका कोई वीडियो है वो मैंशन कर सकते हैं. तो ये मैं सिर्फ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर का ही एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, मैं हर उस एरिया का एग्जाम्पल ले रही हूँ जो इतना पॉपुलर नहीं है लोगों में, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को, आप वो चीज़ करते हैं और आप यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो सामने वालों को ये ना लगे कि आप एक बहुत ही कैजुअल सा काम कर रहे हैं जिसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है. और एक एक माइंडसेट भी होता है कि आप अगर आप किसी सेट जॉब में नहीं है और सिर्फ इस तरीके के कॉन्टेंट्स क्रिएट कर करके अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिजनेस या इट्स नॉट अ स्टेबल लाइफ. इस क्लीशे को या इस सोशल स्टिग्मा को हमारे को रिमूव करने के लिए यही करना होगा कि अपने आप की ब्रांडिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी बात में दम लगे, या ये लगे कि आप कुछ करते हैं एक्चुअली. ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में अपने सब्सक्राइबर काउंट्स या अपने व्यूज़ गिनाने लग जाएं, लेकिन जहां आपको लगता है कि ये ज़रूरी है वहां ज़रूर करें. पर्सनल स्टोरीफिकेशन करते हैं तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं. पहली चीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़. आप अगर सोशल सर्कल में, कॉर्पोरेट सर्कल में, प्रोफेशनल सर्कल में अपने आप को ठीक से, ढंग से प्रेजेंट करते हैं, ढंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है. और यू नेवर नो कब कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी आपकी तरफ. चीज़ है बेटर सोशल सर्कल. जितना आपका लैंग्वेज या कम्युनिकेशन आर्टिकुलेट होगा उतना ही अच्छा आपका सोशल सर्कल बनेगा. और सोशल सर्कल अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में, या वैसे भी अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए या ग्रो करना है लाइफ में, तो हम हमेशा आगे की तरफ देखते हैं और हम हमेशा बड़े अच्छी तरफ जाना चाहते हैं. तो
ये ज़रूरी है कि हम एक अच्छे सोशल सर्कल की तरफ बढ़ें। और तीसरी चीज़ जो पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको अपने आप को लगेगा कि यार आप कुछ करते हैं, या आप आपकी ये आइडेंटिटी है, या आप कुछ हैं। दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी बाद में बाद की बात है, अपने आप को कैसे आप किस नज़र से देखते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वहीं पे आपको काम करना है। तो इन सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखिए। अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टोरीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, बने रहें मेरे चैनल पे मेरे साथ, जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट।